हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आरपीएफ फाइनेंशियल कांस्टेबल के फाइनल रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे काफ़ी स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया कि सर, इसके जो रिज़ल्ट को लेकर है कोई अपडेट नहीं आ रही है, आप उस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, हमने आज आपके लिए एक वीडियो बनाया है। जी हाँ दोस्तों, हमने काफ़ी एनालिसिस किया और उसके बाद जो है ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपको हम बता सके कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है कि क्या है, कितनी तारीख तक आपको जो है आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, हम आपको देते हैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको करना होगा हमें एक मेल और मैसेज, जी हाँ दोस्तों, और अपने स्टडी के बारे में हमें बताना होगा, हम उसका सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आरपीएफ फाइनेंशियल कांस्टेबल में आपको 798 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई थी जनवरी में, और उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम हुआ सीबीटी। जी हाँ, सीबीटी वन का आपका एग्ज़ाम हुआ। सीबीटी वन में यानी कि 60 मार्क्स का पेपर हुआ आपका, और इसमें जो बच्चे क्वालिफाई हुए 1,31,000 के आसपास जो है टोटल बच्चे जो है पास हुए। उसके बाद इनका जो सेकेंड राउंड आपका हुआ वो था आपका पीईटी फिजिकल का, और उसकी में क्या था आपको 800 मीटर जो था आपका रनिंग था, 3 फीट जो है हाई जंप थी, 9 फीट जो थी आपकी लॉन्ग जंप थी, और उसके बाद आपका चेस्ट वगैरह नापा गया था यानी हाइट सब। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी जो थी इसमें हुई। और उसके बाद आपका जो नंबर तीन पे आता है, नंबर तीन पे आपका क्या आता है दोस्तों, टीटी। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम ट्रेड टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें आपका वाटर कैरियर, सफाई वाला, बार्बर, गार्डनर, कोबलर, ये सारे ट्रेड थे। सभी ने अपने अपने ट्रेड में अपना अपना फॉर्म भरा, उसके बाद जो है आपका ट्रेड वाइज आपका एग्ज़ाम हुआ, ट्रेड वाइज आपका जो है ट्रेड टेस्ट हुआ। तो दोस्तों, अब आप इसके हुए रिज़ल्ट की बारी। जी हाँ दोस्तों, अब इसका रिज़ल्ट जारी होगा। रिज़ल्ट जारी होगा दोस्तों किसके लिए, क्योंकि अब आपका जो चौथा राउंड क्या होने वाला है, मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, अभी मेडिकल बाकी है। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे यही कहा, सर मेडिकल क्या नहीं होगा? यही दोस्तों, मेडिकल आपका होगा, रेलवे आपका मेडिकल ज़रूर लेगा। तो आरपीएफ जो है एनएससी कांस्टेबल का है, पहले इसका रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आएगा दोस्तों आपका दिसंबर मंथ में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दिसंबर मंथ में जो है आपका इसका रिज़ल्ट जारी होगा। और इसकी वजह ये है दोस्तों कि नवंबर में तो आपको जो है पूरा दिवाली का वैकेशन जा रहा है, और अभी तक जो है ट्रेड टेस्ट जो है ग्रुप सी का बाकी है, अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सबसे लास्ट हो रहा है। और इसका रीज़न दोस्तों आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे दूँ कि जो बारिश हुआ था, जो काफ़ी रेनी सीज़न चल रहा है इस साल, और इसके वजह से जो है काफ़ी इलाकों में बाढ़ आई थी, जिसके वजह से काफ़ी जो है सेंटर्स जो है कैंसिल किए गए, जिसके वजह से जो है इसका भर्ती जो है बहुत लंबी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अदरवाइज़ अभी तक इसका जो है पूरा कार्य सम्पन्न हो चुका होता, लेकिन जो है क्लाइमेट की वजह से जो है प्राकृतिक, जिसे हम आपदा में ले लें कि ये बाढ़ वगैरह जो आई थी, जिसकी वजह से जो है इसका एग्ज़ाम और ट्रेड टेस्ट इतना लेट हो रहा है। तो दोस्तों, आपको दिसंबर में कब तक मिलेगा ये अभी तक नहीं डिक्लेयर हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको दिसंबर मंथ में आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा दोस्तों। और जैसे ही हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट आ जाएगी, फिलहाल के लिए दोस्तों आप फर्स्ट वीक से उम्मीद कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक में ही आपका जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका एंड ऑफ द वीक आपका मेडिकल का जो है लेटर आपको मिल चुका होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी तो ही इस वीडियो को लाइक करना, और जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।